हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ हूँ, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम दिखाने वाले हैं अंडों को किस तरह हैच करते हैं। यहाँ पर देखिए, टर्टल्स के अंडे हैं मेरे पास, जो लाइव टर्टल्स के अंडे हैं। मेरे रेडियस टर्टल्स ने अंडे दिए हैं। टोटल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 अंडे हैं। टोटल टर्टल जो है 10 से 20 तक अंडे देती है, और एक भी मेरे टर्टल जो है अंडे देने वाली है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह, अगर आप घर के अंदर हैं, आपके पास कछुआ है और उसने अंडे दे दिया है, तो आप उसको किस तरह हैच कर सकते हैं। क्योंकि आप पानी में तो छोड़ नहीं सकते, वो पानी में हैच नहीं होंगे। तो आपके पास अगर कछुआ है, कछुए ने अंडे दिया है, तो आपको लगता होगा कि किस तरह उसको हैच करते हैं। तो पानी में तो वो अंडे ले कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि टर्टल जब अंडे ले करता है तो वो मिट्टी में ले करता है। अगर आप टैंक सेटअप में रखे हो और वहाँ पर मिट्टी नहीं है, अगर वहाँ पर डाल देता है अंडे, तो वो कैसा हैच होते हैं। तो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरह, अगर आपके अंडे, टर्टल ने अंडे दिए हैं, कछुए ने अंडे दिए हैं, हैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मैं वो आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर तीन तरह के मैंने एक सैम्पल डेमो लिया है, ताकि आप लोगों को बता सकूँ किस तरह अंडे हैच होते हैं। अगर इस तरह का ट्रे है, तो ट्रे में भी आप मिट्टी फिल कर सकते हैं। थोड़ी मिट्टी डाली है मैंने, आपको फुल करना है, इस तरह का डाल सकते हैं। या इस तरह का आपके थर्माकोल बॉक्स है तो उसमें भी डाल सकते हैं। या आपके पास इस तरह का एक टैंक है, उसमें भी आप फिल करके। तीनों मॉडल मैंने तैयार किया है आपको दिखाने के लिए। इसमें रख के आप यहाँ पर एक होल डाल के लाइट लगा कर बंद कर सकते हैं, या इस तरह का आप ओपन रख सकते हैं, या इस तरह का भी बन के रख सकते हैं। या आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी सहूलत के हिसाब से कौन सा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से करेंगे। मैं अभी सेलेक्ट करने वाला हूँ, इसमें मैं हैच करूँगा। जो यहाँ पर मेरे पास टैंक है, इसमें मैं हैच कर, इसमें मैं अंडे रखूँगा। और उसके साथ साथ और भी थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ साथ आपको पानी का एक स्प्रे बॉटल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे जाकर आप इसको स्प्रे करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह करना। और साथ में इस तरह का एक लाइट तैयार कर लेना, लाइट चाहिए। अगर यूवी लाइट है तो और बढ़िया है, अगर यूवी लाइट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह अंडे इसको सेटअप करना है। पहले मैं अंडे इसके अंदर जोड़ लेता हूँ, किस तरह करना है। और एक आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मिट्टी जो है किस तरह की मिट्टी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कैसी मिट्टी इस्तेमाल करना है, कौन सी मिट्टी चाहिए, कैसा है। देखिए मेरे पास यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ये मिट्टी जो है बहुत बारीक मिट्टी है। ये मिट्टी मैं जो कंस्ट्रक्शन की मिट्टी है वो नहीं है, ये मैंने तालाब के करीब से कलेक्ट करके लाया हूँ। और उसमें से बहुत सारा कचरा भी निकला है, देख सकते हैं। मैंने इसको क्लीन किया है, ये कचरा इस तरह का निकाल निकाल के मैं तकरीबन 1 घंटे से मैं निकाल रहा हूँ, और भी निकलता जा रहा है। ये तालाब के जो करीब होता है, या लेक के करीब कह सकते हैं, एक पानी का डैम होता है वहाँ से करीब, देखिए इस तरह की मिट्टी होती है। ये मिट्टी मैंने ली है, बहुत ही हल्की सी, जो मोटी भी कंकर की तरह नहीं होना चाहिए, और पाउडर की तरह भी नहीं होना चाहिए। बारीक पाउडर की तरह भी हो जाएगी तब भी फ़ायदा नहीं है, इस तरह की एक मिट्टी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या करना है, अंडों को हम इसके अंदर रखना है। अंडों को आप प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लास्टिक के अंडे नहीं है। अगर आप रखकर आप प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये बेंड भी हो सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास 12 अंडे में 5 अंडे जो है ऑलरेडी ये बेंड हो चुके हैं, क्योंकि टर्टल जब ले कर रहा था ऑलरेडी ऐसा था। मुझे डाउट है कि ये अंडे हैच होंगे नहीं होंगे, फिर भी मैं रख रहा हूँ, क्योंकि अभी इसको फेंक भी नहीं सकता मैं, तो अभी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। इसको क्या करना है, डिस्टेंस में रखना है, एक लगा कर नहीं रख सकते आप इसको, थोड़ा डिस्टेंस में रखना है इस तरह। तो थोड़ा डिस्टेंस रख के आप जो है अंडों को जोड़ लेना। तो इस तरह आपने जोड़ लिया, अभी इसके ऊपर मिट्टी डाल देना है। 1 से 2 इंच जो है मिट्टी इसके ऊपर रहना है, अंडों के ऊपर 1 से 2 इंच। 2 इंच भी चलेगा, 1 इंच भी चलेगा, जो आपकी मर्ज़ी है उस तरह आप कर सकते हो। तो इस तरह 1 से 2 इंच हमको अंडे के ऊपर जो है, 1 इंच मैंने तकरीबन, 1 या 1.5 इंच मैंने डाल दिया है। अभी इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। तो ये मैंने तैयार कर लिया है यहाँ पर। और अभी क्या करना है, इसको लाइटिंग चाहिए। अगर आपके पास यूवी लाइट चाहिए है, तो यूवी लाइट लगा कर आप इस तरह रख सकते हो, अगर आपके पास यूवी लाइट है तो।
ये बहुत बढ़िया होता है क्योंकि ये अल्टरनेटिव सनलाइट देता है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है अगर आप यूवी लाइट दे रहे हैं तो। हाँ, आपके पास यूवी लाइट नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास यूवी लाइट नहीं रहता है, तो मैं निकाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास भी यूवी लाइट ख़राब हो चुका है। या तो यूवी लाइट नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो आप इस तरह का एक हैंगिंग लाइट लगा सकते हो, जो मेरे पास ऑलरेडी एक स्टैंड था जो मैंने गप्पी टैंक में लगाया था, आपने देखा होगा वो स्टैंड पहले ही सही तैयार था, वो मैं यहाँ पर लगा दिया है। इस तरह रख देना है क्योंकि इसको थोड़ा गर्मी चाहिए होती है। लाइटिंग कितना समय देना चाहिए, 24 घंटे लाइटिंग नहीं देना है क्योंकि 24 घंटे लाइटिंग दोगे तब भी फ़ायदा नहीं है। दिन में 3 घंटे, रात में 3 घंटे, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम है, तो आप 24 घंटे भी चला सकते हो या 12 घंटे भी चला सकते हो, लेकिन अभी गर्मी के मौसम में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिन में 3 घंटे और रात में 3 घंटे चला सकते हो। अभी ये कैसा होगा, इसके लिए मैंने एक मीटर भी ले लिया है जिससे हम लोग टाइम सेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक टाइम सेटर है, अगर आपके पास टाइम सेटर है तो बेटर है क्योंकि ये 45 डेज से लेकर 90 डेज तक टाइम लगेगा इसको हैच होने में। मुर्गी के अंडे की तरह 21 डेज नहीं लगता है, या बर्जी या बर्ड्स के अंडे की तरह 21 डेज या 40 डेज के अंदर ये हैच नहीं होते। 45 डेज टू 90 डेज, मतलब 44 डेज से 45 डेज से लेकर 90 डेज तक ये टाइम लगता है इसको हैच होने में। बहुत लंबा समय होता है जो बहुत ही बेसब्रा होता है, हर कोई इसको टॉलरेट नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है। और 90 डेज तक इसको फॉलोअप करना भी बहुत मुश्किल होता है कि आप टाइम टू टाइम इसको लाइटिंग दे, टाइम टू टाइम इसको ऑफ रखें। तो इस तरह का एक 650 रुपये में मिल जाता है एक टाइम सेटअप करने का, इसमें सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ, प्रोग्राम लगा रहा हूँ कि 3 घंटे, तो भी मैंने इसमें टाइम सेटअप कर दिया कि रात में 12 बजे ऑन होगा, फिर रात के 3 बजे तक चलेगा ये, फिर सुबह में 12 बजे ऑन होगा सुबह का, फिर दोपहर के 3 बजे तक चलेगा। इस तरह मैंने इसको टाइम सेटअप कर दिया, तीन तीन घंटे करके टाइम सेटअप कर दिया। इसे क्या होगा, 3 महीने तक आपको 90 डेज टाइम लगता है, तो 90 डेज तक आपको इसको टेंशन नहीं देना पड़ेगा। अभी मेरे घर में कोई नहीं है, यहाँ पर अकेला हूँ, तो आपको बताया कि रीज़न, तो इसलिए मैं कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, तो 90 डेज में लगा कर छोड़ देता हूँ। और एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना लंबा क्यों है स्टैंड, क्योंकि ये 100 वैट्स का लाइट है इसलिए मैं थोड़ा लंबा लगाया। अगर आपके पास 20 वैट्स का या 60 वैट्स का अगर लाइट है तो आप नीचे कर सकते हो, थोड़ा करीब रख सकते हो, मैंने थोड़ा ऊपर लिया क्योंकि वैट ज़्यादा है, 100 वैट्स का है, 100 वैट्स का है, तो 100 वैट्स का चलेगा। 60 वैट्स का काफ़ी है मेरे हिसाब से, ये 100 वैट्स का दे दिया दुकान वाला, तो मैं बाद में इसको 60 वैट्स में रिप्लेस कर देता हूँ। 60 वैट्स का लाइट काफ़ी है, 100 वैट ज़्यादा भी हो जाएगा, 60 वैट्स में बाद में जाकर इसको चेंज कर दूंगा। 60 वैट्स का लाइट लगा दो, अभी इसको मैं लगा देता हूँ इस तरह, ये ऑटो टाइमर में सेट हो गया, अभी ये चल जाएगा क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7 बजे दिन के, तो अभी ये ऑन नहीं होगा, रात के 12 बजे ऑन होगा। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ऑन हो गया, तो ये इस तरह हो जाएगा। और आपको एक, अगर आपके पास आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ले लो, ये 600 रुपये में कुछ मिलता है। अगर आप ले, मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने इसके लिए नहीं लिया, फिशर्स टैंक ले लिया था, अगर ले सकते हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं, गर्मी जिसे कह सकते हैं, या हिंदी में एग्जैक्ट मुझे रीज़न उसका लफ्ज़ पता नहीं है कि ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं। ह्यूमिडिटी जो है अंडे हैच करने के लिए 50 to 75 होना चाहिए, 50 से 75 होना चाहिए ह्यूमिडिटी अंडे हैच होने के लिए। अभी यहाँ पर 69 है, 68 है ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर जो है 30 से 35 तक होना चाहिए तभी अंडे हैच होते हैं। बिलो 30 के अंदर जाता है तो अंडे हैच नहीं होंगे, ह्यूमिडिटी बिलो 50 होता है, 40-30 होता है तो अंडे हैच नहीं होते, इसलिए मैं एक मीटर ले लिया हूँ। अभी मीटर मैं इसमें लगा के रख दूँगा, इसके अंदर ऐसा रख देता हूँ जिससे क्या होगा, ये ह्यूमिडिटी में दिखाता रहेगा। देखिए ह्यूमिडिटी अभी मेरा भी ह्यूमिडिटी यहाँ पर दिखा रही है, 64 है इसकी ह्यूमिडिटी जो यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार आप ले लेना फ़ोटो, ह्यूमिडिटी 65 है जो बहुत बेस्ट है इसके लिए, आपके अंडे हैच होने के लिए, टर्टल के अंडे हैच होने के लिए। टेम्परेचर 30 है, 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 30 अभी ये अगर लाइट हम ऑन करते हैं इसी तरह हैच करके रखो, कार्टन बॉक्स में भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का एक टैंक लेकर रखो, कार्टन बॉक्स में भी रख सकते हो, थर्मोकोल बॉक्स में रख सकते हो, एक क्या बोलते हैं उसको, डिश या जो भी कटोरा जिसे बोलते हैं वो भी रख सकते हो, कोई भी चीज़ रख सकते हो। बस मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और मिट्टी। और ह्यूमिडिटी के लिए और एक चीज़ जो लास्ट में बताना चाहूँगा, ये स्प्रे ज़रूरी है, डेली जो है एक टाइम आपको पानी के ऊपर स्प्रे करना है। इस तरह मैंने लेके रख दिया है सेट पूरा, देखिए अभी ये पूरा सेट हो चुका है तैयार यहाँ पर, ये अभी मैं लगा देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली अभी ये ऑफ ऑन होता रहेगा, अभी मुझे इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डेली 1 टाइम हल्का सा स्प्रे करना है, इसको हल्का सा स्प्रे करना है इस तरह,
इससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी जमी रहती है। अगर पानी पूरा सूख जाएगा, पानी मिट्टी पूरी सूख जाएगी तो ह्यूमिडिटी बन नहीं पाएगी। ह्यूमिडिटी के लिए आपको डेली ओनली वन टाइम आपको स्प्रे करना है। इसको मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, कभी भी करो, एक बार हल्का सा इस तरह, गीली भी नहीं होना चाहिए मिट्टी, ध्यान रखो गीली नहीं होना चाहिए, बस इस तरह का हल्का सा स्प्रे करना है। और लाइट चालू रख दो, 90 डेज वेट करो, हम भी देखते हैं 90 डेज वेट करते हैं, हो सकता है हैच हो सकता है ना हैच हो, लेकिन प्रॉपर तरीका यह है, क्योंकि कभी कभी अंडे अनफर्टिलाइज भी होते हैं, हमको पता नहीं रहता है, और कभी कभी फीमेल जो है टर्टल विदाउट मेल के भी अंडे दे देती है, मेल विदाउट मेल के मिले बगैर भी फीमेल अंडे ले कर देती है, वो अंडे हैच नहीं होते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन विस्तार से बताना ज़रूरी था, हर चीज़ें पिन टू पॉइंट बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने विस्तार से बता दिया आपको कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली बार हमने भी 90 डेज़ को फॉलोअप करते हैं, आई होप वो अंडे हैच हो जाएंगे, हो ना हो आपको एक आइडिया मिल गया कि किस तरह इसको हैच करना है। चलिए 90 डेज़ के बाद देखते हैं, बीच में भी आपको मैं अपडेट देता रहूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी, जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये प्रॉपर तरीका है अंडा हैच करने का, ये सेटअप कैसा लगा आपको, अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी बिगिनर्स हूँ इस चीज़ में, मैं एक ब्रीडर नहीं हूँ, मैं भी एक हॉबीस्ट हूँ। हॉबीस्ट के साथ साथ ये फेस करना ज़रूरी, ये फेस करना पड़ता है, एक स्टेज है हॉबीस्ट का, इस तरह की चीज़ें देखना पड़ता है। ना ही मैं ब्रीडर हूँ, प्रोफेशनल ब्रीडर होता अगर मैं तो मैं यूट्यूब नहीं बनता, बल्कि एक अंडे हैच कर करके सेल कर देता हूँ, एक बिजनेसमैन हो जाता। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, बस एक यूट्यूबर हूँ, एक हॉबीस्ट हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है ब्रीडर के मुकाबले में, जैसा कि ब्रीडर लोग हैं उनका काम वही होता है, उसमें प्रोफेशनल होता है। ये हमारा एक बिगिनर्स स्टेज है, हम भी सीख रहे हैं। अगर कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट में बता देना, ताकि हम उसको फॉलो करके रेक्टिफाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, अब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।